नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मुख्यालय पौड़ी में 107 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पौड़ी को संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में उभारेगी सरकार। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज 9वें दीक्षांत समारोह में 60 छात्र छात्राओं को रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। वर्चुअली जुड़े केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों को किया संबोधित। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार हुई सतर्क। राज्य भर में टेस्टिंग को बढ़ाया गया। कई सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आरटीपीसीआर टेस्ट को किया गया अनिवार्य। और चंपावत और टिहरी जिले में आज शहीद सैनिकों के सम्मान में सैनिक सम्मान यात्रा का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचकर सैन्य धाम के लिए उनके आंगन की ली मिट्टी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मुख्यालय पौड़ी में आयोजित समारोह में लगभग 107 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पौड़ी विधानसभा में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह के बीच मुख्यमंत्री ने 2908 लाख की लागत से बनी कोला पातल ग्राम समूह पेयजल योजना का लोकार्पण और 2229 लाख की लागत से होने वाले शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण और 1736 लाख की लागत से बनने वाली सबदरखाल कादेखाल ग्राम समूह पेयजल योजना का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने पौड़ी में नवीन कलेक्ट्रेट भवन का भी लोकार्पण किया। पौड़ी में आयोजित विकास के साक्षी समारोह में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 6 महिला समूहों को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विकास की ओर से पोषण और महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया। अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है, उनको हम सब धरातल पर उतरे हैं। उत्तराखंड सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए उनके लोकार्पण हों, जिन जिनके हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएँ, हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। वहीं संसद सत्र होने के कारण मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत ने पीजी में करीब 60 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए, जिसमें से 51 छात्राएं शामिल रहीं। इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित 118 कॉलेज और विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों के टॉपर शामिल हैं। समारोह में पीएचडी और स्नातकोत्तर के 196 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को मानद उपाधि दी गई। इस अवसर पर सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़े बच्चे जॉब ढूंढने वाले न बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी सेना को जरूरत है। वहीं वर्चुअली जुड़े केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों को संबोधित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के ये विश्वास दिलाती है कि देश अभी पूरी तरह से उनके हौसलों के साथ है। भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसे शिक्षा और कैसे दिशा में दे रहे हैं। मैं यह आप सभी बुद्धिजीवियों और छात्रों के ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज हमारी शिक्षा में भारतीयता का समावेश एनईपी के द्वारा हो रहा है।
दुनिया के कई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र के निर्देशों के तहत ओमिक्रॉन को लेकर एसओपी जारी की गई, जिसके तहत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राओं की रैंडम सैंपलिंग सहित कई प्रावधान किए गए हैं। इसी के मद्देनजर जिले की सीमाओं में भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। पौड़ी जिले में कुछ दिन पहले 27 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर सैंपलिंग बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार की ओपीडी में आरटीपीसीआर टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। हमने टेस्टिंग की मात्रा बढ़ा दी है और अब हमने क्या कर दिया है कि जो ओपीडी में पर्चे बन रहे हैं वहां पे भी सैंपलिंग शुरू करा दी है, जबकि डीसीएससी में हमारी सैंपलिंग हो रही है। उसके साथ बहुत से लोग जब ओपीडी का पर्चा बनता है तो बात को छुपा लेते हैं। अगर आप उनसे खांसी बुखार जुखाम वहां पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे, या कुछ भी लक्षण पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। तो हमने क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है कि आरटीपीसीआर की जांच जो ओपीडी में मरीज के पर्चे बन रहे हैं, ज्यादातर की ओपीडी की जांच पर्चों पर ओपीडी के पर्चों पर ही सैंपल ले लिए जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले के प्रवेश द्वार जगबूढ़ा पुल, चंपावत कोतवाली और वालिक चेक पोस्ट में स्वास्थ्य विभाग की टीम आने जाने वाले लोगों की सैंपलिंग कर रही है। वहीं जिले के पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग अनिवार्य करने के साथ ही जिले के पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, विभिन्न थाने और चौकियों में सैंपलिंग की जा रही है। सबसे पहले तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जितने पुलिस कर्मचारी है, जितने अधिकारी है, सबका आज सैंपलिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस के लिए हम माइक के द्वारा गाड़ियों के माध्यम से उसमें प्रचार प्रसार करें, ताकि वो पुनः जो एक बीच में ढिलाई आ गई तो उसको लेकर अलर्ट हो जाए। साथ ही साथ में जो बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं उनको टोका टाकी और साथ में उनको मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट भी करने का शुरू करें प्रोग्राम, और 2-3 दिन के बाद में इसमें हम जो चलान वगैरह है वो भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो हमारा अंतर्राज्यीय और अंतर जिला अंतर स्टेट जो बॉर्डर थी वहां पर जो बीच में चेकिंग काफी कम हो गई थी, वो पुनः एक मेडिकल टीम के साथ में मिलकर जगबूढ़ा के पास में हम पुनः चेकिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें रैंडम सैंपलिंग वगैरह भी की जाएगी। उसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उस पर भी हम लोग जो सर्टिफिकेट वगैरह है वैक्सीनेशन उसको चेक करने के लिए, रैंडमली चेक करने के लिए उसको बताया। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज चंपावत जिले में सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के 57 शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश से शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,734 शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई है। गणेश जोशी ने कहा कि देश का हर पांचवा सैनिक उत्तराखंड की धरती से है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रही है। अगर आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, आज हम यहाँ पर बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मानस डिग्री पर हमारे जवान और देश की रक्षा कर रहे हैं। इन शहीदों के सम्मान में उसको संघामी की सरकार, हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। हम एक विशाल सैन्य धाम, जिसको पांचवा धाम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उत्तराखंड में चार धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमनोत्री, पांचवा धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देखिए, हम किसी सैनिक को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना, उसके परिवार की चिंता करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इनके सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून के गुनियाल गाँव में बनाने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता एसएस बिष्ट और मां रेखा बिष्ट से मुलाकात करते हुए कहा कि देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा
एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए सभी शहीद सैनिकों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम में लाई जा रही है, जिससे देश के लिए अपनी शहादत देने वाले वीर जवान हमेशा हमारे और आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहें। मेजर चित्रेश बिष्ट पर, हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों पर जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और सबके आंगन की जो पवित्र माटी है वो सैन्य धाम पहुंचेगी, और हमेशा हमारे ये वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पांचवा धाम सैन्य धाम यहाँ बनाया है, उसकी घोषणा की है, उस सैन्य धाम में सबका योगदान होगा और सबकी उसमें सभी का एक तरह से सहयोग होगा। टिहरी जिले के चंबा में आयोजित आज शहीद सम्मान समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों के आश्रितों व परिजनों को ताम्र पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान व कल्याणार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में भवन कर में छूट दी है। वहीं देहरादून में गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल छात्रावास के निर्माण हेतु 2 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की है। लेकिन उस शहीद की यादों को जिंदा रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी से प्रेरणा ले, उसके लिए एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। उसमें हमने संकल्प लिया है कि हम इन शहीदों के घरों की पवित्र मिट्टी एक कलश में लेकर हम वहाँ जा रहे हैं, और 13 तारीख को उस मिट्टी से उस भूमि का भूमि पूजन होगा और विशाल सैन्य धाम का निर्माण होगा। और धाम का मतलब एक मंदिर से भी होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह की और बाबा हरभजन सिंह की, उनके मंदिर हम उससे बना रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल के बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, जमनोत्री देखने के लिए लोग आते हैं, इस सैन्य धाम को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से प्रदेश के गांव बिजली से रोशन हुए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना के कारण आज राज्य के हजारों घरों में बिजली का उजाला पहुंचा है। देखते हैं नैनीताल जिले से एक रिपोर्ट। सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना ने दूरस्थ क्षेत्रों को बिजली की सुविधा से जोड़ दिया है। नैनीताल जिले के दूरदराज के गांव में रहने वाले लोगों के लिए यह योजना सौभाग्य से कम नहीं है, क्योंकि बिजली मिलने से उनकी कई मुश्किलें हल हो गई हैं। जिले के तिरछा खेत के मेहरा गांव की रहने वाली राधा का घर जंगल में है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलने से जंगली जानवरों का डर कम हुआ है। मुझे ये फायदा हुआ, पहले तो मेरे पास लाइट नहीं थी, बच्चों के लिए परेशानी होती थी, पढ़ाई के लिए, जानवर जंगलियों के लिए, जंगल में रहती हूँ, हर चीज़ की परेशानी थी मुझे। लेकिन फिर सरकार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे फ्री सेवा दी है। इसके वजह से कहते हैं मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। तिरछा खेत की पूर्व प्रधान किरण आर्य बिजली की सुविधा मिलने से खुश हैं। बिजली मिलने से बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत हो गई है। कनेक्शन से हमें बहुत फायदा हुआ, जिस लाइट चले जाती है तो हमें बाहर कोई भी काम है वो करने की सुविधा मिलती है, और मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमें बच्चों की पढ़ाई में सुविधा मिलती है इसकी। ये हमें बहुत फायदा हुआ इसका। जैसे यहाँ बाग वाग की डर लगती है तो जैसे बाहर आते हैं बच्चे तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, उजाला रहता है रात को। इस लाइट से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुआ हमारी स्टडीज में थोड़ी, और पहले से लाइट की मतलब कमी थी, अंधेरे में पढ़ना पड़ता था, और इसके बाद मतलब जब से लाइट आई है तो फिर मतलब सब ठीक रहा। मेहरा गांव के लाभार्थी ध्रुव भी इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता से संतुष्ट हैं। जो हमने योजना के लिए अप्लाई किया था उसमें सरकार से हमें खुश है, हमने पोल के लिए जो एप्लीकेशन दी थी उसमें सरकार ने हमारा आंसर दिया, उस वजह से हमारे घर में बिजली आई
और मीटर लगा और हम सरकार के इस निर्णय से प्रसन्न है। सौभाग्य योजना को लागू करने का उद्देश्य देश के हर घर तक बिजली की सुविधा पहुंचाना है। कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य अभियंता अतुल गबरियाल का कहना है कि प्रदेश के दूरस्थ गांवों को भी इस योजना से लाभ मिला है। सौभाग्य योजना में हमने करीब 50 से 60 हजार विद्युत संबंध अवमुक्त किए थे, जो बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से लोगों को इसका फायदा भी मिला। और अभी भी जब हम फीडबैक लेते हैं तो लोगों को बहुत खुशी है कि इस तरह की योजना जो है सरकार ने चलाई। इसी तरह से विद्युतीकरण के काम भी हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे तोक छूटे हुए थे दूरस्थ इलाकों में, उन सब जगह विद्युत आपूर्ति सुचारू की। तो हमारे दूरस्थ पहाड़ के जो दूर के गाँव हैं वहाँ पर कई जगह पहली बार रोशनी आई, तो लोगों में बहुत खुशी हुई। इस योजना का बहुत बढ़ चढ़ कर पहाड़ में लाभ मिला है। इस योजना की घोषणा 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। जिन लोगों का नाम जनगणना में नहीं है उन्हें 500 रूपए में बिजली दी जा रही है, और वह भी 10 आसान किस्तों में। इस योजना के तहत जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है वहां 5 LED बल्ब और 1 पंखे का सोलर पैक भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में आज हरिद्वार में अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों से अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्गों के निचले स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आदमी तक ये बात नहीं पहुंची। इसी तरह ही एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि उनको ट्रेनर को भी पैसे दिए जाते हैं जो उनको ट्रेड करता है, पैसे ट्रेनी को भी दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर उसने कारोबार करना है तो 20 लाख का लोन जो है 6% इंटरेस्ट पे, अगर कोई औरत उसको लेना चाहती है लोन को मिनोरिटी कम्युनिटी से संबंधित तो उसको 3% लोन पे इंटरेस्ट पे मिलता है। ऐसी चीजें हैं, काम बहुत हो रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल तक हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी और अपने अधिकार का पता हो ऐसा अभी थोड़ी देर और लगेगी करने। वहीं बैठक में ज्ञान गोदड़ी के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एड्स से बचाव के लिए विशेष प्रयास करने एवं जागरूकता लाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें एड्स जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है ताकि वे एचआईवी के प्रभाव से खुद को समय रहते बचा सकें। उन्होंने कहा कि एड्स के प्रति प्रदेश के गांव-गांव और दूरस्थ इलाकों में भी जागरूकता अभियान लगातार चलते रहने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलकर इसे निभाना होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एचआईवी एड्स के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में लगभग 4,800 लोग एचआईवी संक्रमित हैं, जिनको राज्य में स्थापित 7 ARTs केंद्रों में निशुल्क उपचार एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। उधर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के स्वयंसेवकों ने बेरीनाग ब्लॉक के बाजार क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन अधिनियम वापस लिए जाने की घोषणा के बाद राज्य में हर तरफ उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कल देर साय 4 धाम तीर्थ पुरोहितों, रावल समाज, पंडा समाज, हक हकूकधारियों के साथ ही अखाड़ा परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।
के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देवस्थान बोर्ड भंग होने से उत्तराखंड में जो हमारे पुरोहित समाज हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण समाज हैं, पुरोहित समाज हैं, ब्राह्मण समाज हैं, पंडा समाज है, जो हमारे चार धाम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री में रह रहे जितने भी व्यवसायिक लोग हैं, आज वो सभी अत्यंत प्रसन्नचित हैं। आज आप देख रहे हैं कि भारत के सभी साधु संत भी अत्यंत प्रसन्नचित हैं, आह्लादित हैं। मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी आचार्य और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने मुख्यमंत्री से भेंट कर देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संत समाज की ओर से भी धन्यवाद दिया। आज तो बड़ा खुशी का दिन है, मैंने कहा नहीं अभी, मैंने पहले भी कहा कि सनातन की जीत है और दूसरी धामी की जीत है। उत्तराखंड का एक शेर धामी है, वाकई में जो बोलता है वो करता है, और मैं तो समझता हूँ कि अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो इनको रोक सके अब आने वाले चुनाव में, और फिर ये मुख्यमंत्री बनेगा। चारों धाम का आशीर्वाद इनको मिल चुका है। जय गंगा। आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।